Hey, Amira. I didn't know you could stand and do it. Whip it out, I'm sure is what you got. Shut up. Amira, what are you talking about? Nothing. अब तो तुम्हारा shake hand हो गया ना उन bullies के साथ. अब क्यों नहीं खेलनी football? क्योंकि नहीं खेलनी. क्योंकि नहीं खेलनी? लेकिन तुम ऐसे डर के छुपते रहोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? पापा की भी रैगिंग हुई थी कॉलेज में. लुका स्ट्रॉन्ग बिकेम. मर्द का बच्चा बन यार. नहीं बनूंगा मैं. आजकल असली मर्द कहाँ रह गया मैडम? हमारे टाइम पे हुआ करते थे असली मर्द. अब तो सब लोग सेंसिटिव हो गए. हेलो. यस मिस. अमायरा. अमो. मॉम, आई एम डूइंग माय होमवर्क. अमो, ओपन द डोर. Locking the door. ये क्या पहना है तुमने? क्यों? Fashion parade में जाना है? Talk properly. अनुजा टीचर का फोन आया था. She's a loser. Some boy Kevin took your photo. He's a big loser. Don't call anyone a loser. तुम boys bathroom में क्या कर रही थी? Why is everyone making it such a big deal? Mom, छोटी सी बात है. उस Kevin ने फोटो ले ली होती ना तो बात बढ़ती नहीं. Bloody asshole. Language, अम्मू. क्या हो रहा तुम्हारे साथ? टेल मम्मा, तुम गर्ल्स बाथरूम क्यों नहीं यूज कर रही हो? नहीं जाना मुझे. मुझे लड़की नहीं बनना. ओके? तुम्हें लड़की नहीं बनना? वाह, तुम्हारे भाई को लड़का नहीं बनना? I don't know what is going on. Seriously. आपकी बेटी स्कूल बंक कर रही. He is not paying attention Mom, in class. वाईफाई बंद है. My child is a top. तेरी बेटी को कितना मिला? Kabhi up, kabhi down, kabhi circus clown, kabhi verb adverb, kabhi proper noun, kabhi math, kabhi science, kabhi history, yeah, hai bada mystery. Kabhi biwi, kabhi bahu, kabhi ghar ki baat, kabhi teacher, kabhi mom, kabhi chef ho jaye. Ek kilo mirchi, do kilo good, yeah, do hai mental hood. Exams ka tension sar par hai, kya ho gayi puri taiyari? Padhne ke bahane jaati hai, beti ka koi boyfriend to nahi. मम्मी, मेरे डांसिंग शूज. कभी हाँ कभी ना, कभी मान लेना, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी इनसाइड आउट, कभी दाएं मुड़ कभी बाएं मुड़. ऑफ है मेंटल हुड. पर देखो, मैं तो सर्टिफाइड हिप्पी हूँ. तुम्हें ढोकला वहाँ पड़ा को डाइजेस्ट ही नहीं हुआ. जी, व्हाट्स अप विद योर सन? उसने खुद चूज किया ये ड्रेस. ओहो, और तुमने पहनने दिया? कहना था ना लड़कियों के कपड़े हैं. Babe, I'm against defining gender. मैं उसे क्यों कहूँ कि ये चीजें लड़कियों के लिए हैं और ये चीजें लड़कों के लिए हैं? As a parent, मेरा काम सिर्फ इतना है that I encourage him to express himself. Himself? She said that herself. Look at the poor confused child, यार. And then you blame Jigar. Oh, तो अब तुम दोनों को भी लगता है कि I'm a bad mom. नहीं नहीं नहीं. और ऐसे ही चलाना तो यू गोना लूज हिज कस्टडी. यू गेट इट? हाय मीरा, लास्ट वीक तुमने निष्का के बर्थडे पे अर्जुन को भेजा था ना? आई वांटेड टू रिटर्न दिस गिफ्ट. सेम सेम दो मिला क्या? नो डार्लिंग, तुमने निष्का को किचन सेट दिया था. ओ माय गॉड, किचन सेट? पर ये तो फन टॉय से है. ये तुम्हारी स्मॉल टाउन में चलता होगा मीरा, बट वी डू नॉट गिफ्ट आवर गर्ल्स डोमेस्टिकली प्री डिटरमाइंड रोल प्लेइंग टॉयज. एंड आई डोंट वांट कि निष्का को ये लगे अभी से दैट शी इज जस्ट गुड इनफ फॉर किचन. क्या सोच रही थी? लड़कियों को किचन सेट कौन देता है? मैंने दिया क्या? लड़कियों को अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए. बचपन से सुना था, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां घरेलू, लड़के स्पोर्ट्स में अच्छे और लड़कियां पढ़ाई में. पर एज अ पेरेंट मुझे सोचना चाहिए कि अगर मेरे तीनों बच्चे बराबर हैं, तो फिर मैं उनके लिए रेत में लकीर क्यों बनाऊं? इस तरीके से हैरेस करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? हैरेस? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों हैरेस करूंगी भला आपको? अरे,
आपकी फैमिली मेरी फैमिली है ना आखिर। मैं तो बस ये सोच रही थी कि सामने सामने आकर सबके सामने बैठ जाती हूँ और फिर शाइस्ता से खुद पूछ लेंगे कि उसे मुझसे दोस्ती करनी भी है या नहीं। I'll get you arrested. तुम मगर मुझे मेरे फैमिली के आसपास भी दिखी ना। अरे 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 अरे, अरे बस बस, इतना क्यों चिल्ला रही है आप? ना हूं मैं उसकी, मेरा भी तो हक बनता है ना उस पर। You just watch it, okay? Just watch it. Trisha, just cancel all my meetings. Huh? हाँ नहीं आ रही ऑफिस। I need to be with Shaista. आज I managed to offend a mother. क्योंकि मैंने उनकी लड़की को लड़कियों वाली टॉयज दे दी। पर मुझे किसने सिखाया कि ये टॉयज लड़कियों के लिए है? मेरी माँ ने। और उन्हें किसने सिखाया? क्या सेंचुरीज पहले किसी क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट ने ये तय किया कि ब्लू मैनली कलर होता है और पिंक गर्ली कलर? पर अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो इन दोनों ढांचों में फिट ना हो, तो इन अ वर्ल्ड ऑफ पिंक एंड ब्लू कैन आई डेयर टू बी येलो? अर्जुन स्लोली। हाँ अनमोल, नॉट यू। गिफ्ट रिटर्न करने आई थी। व्हाट डू यू मीन शॉपिंग इन माय फ्री टाइम? तीनों बच्चों की छुट्टी अलग अलग टाइमिंग्स पे हो इज नॉट फ्री टाइम। अच्छा सी यू इन द इवनिंग। हाय। हाय। हेलो। हाय मीरा। हाउ आर यू? व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर द किड्स? गिफ्ट रिटर्न करने आई थी। क्यों? गलती से मैंने किसी लड़की को लड़कियों वाली गिफ्ट दे दी। माँ गॉट ऑफेंडेड। इसमें क्या है? मेरा बेटा डॉल्स के साथ खेलता है। इनफैक्ट वो अपनी डॉल के बिना सोता भी नहीं है। That's so cute. I think it's sweet. It's sweet but tough. Just look at these aisles. Markets हमें क्या बता रही है? Girls को किचन सेट, boys को guns. They've already decided हमें क्या खरीदना है. No, no, no. Meera, I disagree. Look around. I like this. Does it look good? Really good. It's not pre-decided. I have decided. I want this. Absolutely. You look great in it. Yeah? Chalo. Arjun, wait there. मैंने वो सब सर्वर्स को कैप्स और ग्लव्स बना दिए। लास्ट टाइम आपने बोला था इसलिए। स्मॉल टॉक इज अ साइन ऑफ वीकनेस अनुजा। मिसेस कपाड़िया कह रही थी तुमने किचन में जाना छोड़ दिया। नहीं वो मॉम, मैं आई एम हेड ऑफ पीटीए तो वहाँ पे मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ। लेकिन मैंने उनकी बेटी को वो कोचिंग क्लासेस के नंबर दे दिए थे। इट वाज अ स्कैम बट आई गिव द नंबर। होटल में देखा तुम्हें मिसेस कपाड़िया ने? नहीं वो बस संभल कर रहना नहीं आता तुम्हें? सारे शहर को तमाशा दिखाना है। नहीं वो साहिल अभी भी है। हाँ लेकिन मैं सिर्फ बात, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा तुम वहाँ क्यों गई थी। मैंने तुमसे ये पूछा कि किसी ने तुम्हें देख कैसे लिया। रेपुटेशन इज एवरीथिंग, यू नो दैट। लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इतना सिखाया है मैंने। और तुम तो आजकल की सोशल मीडिया जनरेशन हो, यू वेरी वेल नो दैट जो दिखता है वही सच है। नो यू कांट अफोर्ड इट। तुम दुनिया को अपनी शादी का खोखलापन नहीं दिखा सकते। लोग तुम्हारी कमजोरी देखेंगे, तुम्हें और कमजोर करेंगे। मॉम, तरुण और मेरे बीच में कुछ, मुझे नहीं सुनना। तुम्हारी शादी में क्या अरेंजमेंट्स है क्या नहीं, really, I don't want to know. और किसी और को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो मर्द है, बचकर निकल जाएगा। I'm your mother, अनुजा, इसलिए वापस याद दिला रही हूँ। Don't forget how important it is for you to be Mrs. Tarun Joshi.
they having fun? You know, हमें अर्जुन, नक्स और तारा की और प्लेडेज रखनी चाहिए. They're so good together. It's a perfect age, na. My older ones are such grumpies. Preteens, huh? अम्मू तो मुझे premature grey hair देने वाली है. पता है स्कूल से फोन आया. वो बॉयज बाथरूम में चली गई. क्यों? पता नहीं. जब भी मैं पूछती हूँ उल्टा जवाब मिल जाता है. She's such a simple child, you know. मुझे पता नहीं क्या बॉदर हो रहा है उसे. Don't worry, I'm sure कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा. और ऊपर से अनमोल निकी के पीछे पड़ा है. मर्द बनो, फुटबॉल खेलो. Well, fathers are tough. मुझे याद है जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था, मैंने वहाँ फ्लूट बजाना सीखा. My dad was so angry. He was like, कुछ सीखना है तो गिटार सीखो. Even made the teachers punish me. And you know, boarding school teachers, cane पड़ती थी. तुम्हारी पिटाई हुई फिर भी इतने sensitive बने. बच्चों ने बना दिया. मैं अपने बच्चे की माँ हूँ और पापा भी हूँ. पर मेरे बच्चे फ्लूट बजाने के लिए मार नहीं खाएंगे. तुम इतने कूल नहीं हो जितना तुम दिखाते हो. मेरी रेप्यूटेशन मत बिगाड़ो यार. Your secret is safe. जब से हम कानपुर से शिफ्ट हुए ना, इस इलीट स्कूल की इलीट दुनिया ने हम दोनों हस्बैंड वाइफ को शेक कर दिया है. But you know what? We wanted the best for our kids. और अनमोल बहुत ट्राई कर रहा है. लेकिन? लेकिन कुछ नहीं. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अनमोल और मेरे बीच में ये कम्युनिकेशन चैनल्स बंद हो चुके हैं. और ऊपर से मेरी मम्मी. Can you do me a favor? Yeah. मैं एक बैंक लॉकर खोलना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे एक मुंबई रेजिडेंट की गारंटी चाहिए. करवा लूंगा. इनफैक्ट मेरे ही बैंक में कर लो. बैंक मैनेजर मेरे बचपन के दोस्त है. अभी करे? नहीं नहीं, आज नहीं. एक्चुअली अनमोल को नहीं पता मैं ये लॉकर खोलने वाली हूँ. आई अंडरस्टैंड. ये स्त्री धन, आई गेट इट. मेरी मम्मी भी यही कहती है. वो मुझे इतना फोर्स कर रही है ना. बट एनीवे, थैंक यू फॉर रेस्क्यूइंग मी. मैडम, यू आर मोस्ट वेलकम. क्योंकि मैं तुम्हारा नाइट इन शाइनिंग आर्मर. हाय अनमोल, कम मीट ना आकाश. हाय. Hey, Akash Fernandez, the guitar hero. Yeah, nice to meet you. बहुत सुना तुम्हारे बारे में. मेरा मैं निखिल को कल फुटबॉल क्लास के लिए ले जाऊंगा. उसके कोच से बात भी कर लूंगा. एक्स्ट्रा क्लासेस. तुम्हें पता है ना, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते. मैं आकाश के साथ अभी डिस्कस कर रही थी कि वो बॉय है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पोर्ट्स खेले. आकाश अग्रीज विद मी. Oh, how nice. Akash agrees on this. So what else does an Indian modern man agree with? Look, ये तुम्हारे बीच में. Parenting एक personal चीज होती है. जो एक के लिए सही है वो जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए सही है. आकाश, you're so good with तारा नक्षत्र. और वो भी अकेले. भाई, तुमसे तो सभी impressed हैं. I just wondering what is your ex-wife or girlfriend or maybe partner think about this? I gotta go, you know, take the kids. See you later. Nice meeting you. Akash, तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मैं अभी आई हाँ. तुम कहाँ जा रही हो? दीक्षा के यहाँ for drinks. और तीनों बच्चे? तुम तो बहुत अच्छे डैड हो. तुम ही देख लो, अर्जुन को भी. Of course, मैं संभाल सकता हूँ. What do you think? After all, अपनी wife के साथ cooperate तो कर ही सकता हूँ. और अपने बच्चों की बेबीसिटिंग कर सकता हूँ. बाबा, क्या बात है. हम करें तो मदरहुड, आप करें तो एहसान. मामा पोती. Enjoy. Don't wait up for me. मम्मी, हाथ दर्द हो रहा है, और नहीं हो पाएगा. अच्छा, मेहनत मैं करूंगी, मजे तू लेगा. चल घुमा. है कि जनानियों वाले काम करा रही है मेरे लौंडों से. पापा, कपकेक. होते थे पुत्र, अब तू इस पे डेकोरेशन भी करेगा फुल पत्ती वाले. हॉबी है, उसमें क्या है. कुछ जंग की मर्दों वाली हॉबी सिखा इनको. विकी, ड्रिंक ले आ. ये सिखाओगे तुम ड्रिंक्स?
रोज स्कूल से शिकायत आ रही है कि आज इसको पीट दिया, आज ये तोड़ दिया, तो खाना बनाने सुधर जाएंगे। देख प्रीति, हमारे घर में ना ये सब नहीं चलता। पता तेरे घर में क्या चलता है? सारे हाइपर मुंडे ना बड़े होके गुंडे मवारी। क्या बकवास कर रही है हमारे बच्चों के सामने? बना ले अपने मुंडिया ना गुंडे। मैं जा रही दीक्षा के घर। रुक प्रीति, तेरी सहेली आऊंगी वहां पे। बड़ी गड्डी लेके जाना। डोंट वरी डी, वी आर गोइंग टू हायर द वर्ल्ड्स बेस्ट लॉयर फॉर यू। यस, देखना जिगर का चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगा। All I can say is that opposites don't make good parents. Don't say that, Diksha. You're so good with Neeru. Good is pushing it a bit. Mm-hmm. Different. Different's a better word. You know, I can't say I haven't heard that before. Nahi, different hai to kya? She still has every right over a child. I mean, what is this world according to Ajo? Hey, easy. We're on the same side today, bitch. Just for today. अरे यार, गम का साथी रेड वाइन। अरे बस हो गई यार रेड वाइन। फलों का रस है, फुल्ली ऑर्गेनिक। फुल्ली ऑर्गेनिक तो ये भी है, किसे चाहिए? रियली? ऐसे एक बात बताऊं, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत ना एजो को है। एजो पीजिए। यू सो काइंड। इसी बात पे बॉटम अप बॉटम्स। ओए टू यू टू एजो, लेक्चर ना दे, पीटीएम मीटिंग थोड़ी है। तू वाइन पी यार बस। तो सेपरेशन से पहले हम तीनों यहीं रहते थे, पर अलग होने के बाद हमने सोचा कि वी डोंट वांट टू डिस्प्लेस नीरू, तो नीरू एंड आई स्टेड ऑन एंड जिगर मूव्ड आउट। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैं इस घर में अकेली रह जाऊं। और वैसे भी यार मम्मी अकेली होती है ना, ये जो पेरेंटहुड की गाड़ी है ना, हम ना अकेली चलाते हैं बेटा। Well, cheers to that again, mommy. Cheers. And वैसे, where did this truth bomb come from? ये मेरा original नहीं है। मैंने ना वो mental mom की quotation की। She's talking that mental mom. Mental mom? Who's mental mom? You don't know mental mom? अरे the blogger. She's very smart. नहीं, तेरे जैसा smart नहीं है। तू उससे ज़्यादा smart है, जो I promise. But you know really, है ना? I just read her article last week. She's totally legit. हाँ, यार वो जब पढ़ती हूँ ना उसका, मुझे लगता है कि हमारे जैसे confused mom. हाँ, totally legit. वो confused mom ही है, and I think she's a bad mom also. Excuse me? She never has any solutions. जो दिल कहे वही करो. अरे बच्चे ऐसे थोड़ी पलते हैं यार. There are set rules to parenting. जिसकी किताब? हाँ, वो rules की किताब जो है ना. ये किताब ना इंसाइक्लोपीडिया की साइज है, अब पूछ किसने लिखी है? हमारे ये जो ने, बस मतलब यही बात है कि बस छप जाए। छपेगी 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 छपेगी। एक्सक्यूज मी मीरा, हमसे कौन है ज्यादा इंटरेस्टिंग? वो आकाश का मैसेज था। बहुत आकाश, परफेक्ट आकाश, सेंसिटिव आकाश, ओवररेटेड आकाश, इन नीड ऑफ हेल्प आकाश। वो बेचारा, he feels left out now. He's not on a mommy groups. He feels very alone. Maybe because he's not a mom. He doesn't make the cut. Besides, he just doesn't have the necessary equipment. के ऊपर से निकल गया आपका 3-point presentation खत्म हो गया। Miss Corporate. Well, कल मैं इतना cool बन रहा था कि I'm in touch with my feminine side. लेकिन आज तारा ने नक्स का पीपी को देखे, पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि पापा, मुझे भी एक पीपी चाहिए। Dude, I'm not prepared for this. How do I answer these questions? It's not that tough, Akash. Easy for you to say. Sometimes I feel, you know, a girl needs a mom. Auntie chalegi. Main aati hu baat aara se baat karne, okay? Ameera, thank you. You're the best. Okay, girls, I have to leave. Are
ओली डिनर भी नहीं खाया. ऑल ओके. आकाश नीड्स मी. नाउ इफ ही नीड्स यू ही नीड्स यू. यस थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक्स फॉर कमिंग. मीरा थैंक्स. You were really sweet with her today. I think I just panicked. Relax. बच्चे से सवाल करते हैं. Natural curiosity. I guess. कभी-कभी लगता है अकेले इन दोनों बच्चों को कैसे संभालूं. वो स्कूल में सभी बात करते हैं. You know? About your wife. It's a long story. फिर कभी बताऊंगा. Now it's just me. मम्मी भी हूँ. और डैडी भी. ये क्या है? Where are the boards? I think अब सारे लोग यूनिसेक्स होंगे. यार, मैं बॉयज के साथ लू शेयर नहीं करने वाली. I don't mind sharing with the girls. You. किसने किया ये? अमायरा शर्मा. अमायरा? आकाश वही गिटार हीरो. Why is he deciding कि हमारे घर में क्या होना चाहिए? नहीं नेगेटिव क्यों हो रहे हैं अनमोल? हम बात कर रहे थे तो टॉपिक निकल आया. आकाश फील्स की बुलिंग से बचने के लिए दूसरे फॉर्म की बुलिंग विल नॉट हेल्प. अब आकाश कह रहा है तो सही कह रहा होगा. हेलो जब अमायरा से टीचर ने पूछा तो उसने कहा कि हमारा स्कूल जेंडर सेंसिटिव नहीं है. हम बायस है और इस स्कूल में जेंडर ही नहीं होना चाहिए. हमारी अमायरा ऐसी नहीं है अनमोल सेन. नितिन अमो डजंट टॉक लाइक दैट. ये सब आइडियाज उसे कैसे आए आई जस्ट डोंट गेट इट. अनमोल कोई और बात है तुम्हें हैंडल करना होगा. इस वक्त तो मुझे किसी भी पेरेंट्स की कोई कंप्लेन नहीं आई है. बट इन केस इफ इट हैपेंस देन आई एम सॉरी I'll be forced to take some action. नहीं मैं देख लूंगी. सॉरी भैया. I mean Mr. Awasthi. आप यहाँ क्या कर रही हो? दरवाजे पे जेंडर हटाने से तुम्हारा जेंडर नहीं बदलेगा ना. आई हेट बींग अ गर्ल. ओके मॉम सब कुछ डिफरेंट हो रहा है. माई बॉडी इज चेंजिंग. आई हेट रनिंग. I hate everyone looking at me. Amu, open the door, baby. My girls know mein gayi thi, and some seniors they started teasing me. They said that I'm blooming. Silly girl, mummy ko batana tha. Mom, ladko ke saath ye sab kyun nahi hota? Why is this happening? Tum badi ho rahi ho isliye. It's all part of growing up. अभी तो बहुत कुछ बाकी है. यू विल डेवलप. योर बॉडी विल ग्रो. पीरियड्स होंगे. ओह नो. और बॉयज वो जैसे वैसे रहेंगे? दे वोंट चेंज? बॉयज भी तो बदलते हैं. तुम देखना कितना मजा आएगा जब निक्की बड़ा होगा. उसकी आवाज विल क्रैक. क्रफ वॉइस. आधी मूंछें आधी दाढ़ी. इट विल बी रियली फनी. और जब ये ऑकवर्ड फेज खत्म हो जाएगा यू विल बी अ वाइब्रेंट ब्यूटीफुल वुमन. अभी चलो मैं तुम्हें तुम्हारी पहली ट्रेनिंग ब्रा दिलाती हूँ. लेट्स गो शॉपिंग. ब्रा? या ब्रा? ए काय चालले डोक्यामध्ये तुझ्या? क्यों इनके पीछे पड़ी है? इसकी मुझसे कितनी शक्ल मिलती है. अरे आई शपथ ये देखना. अरे भोगी ना. हमने तो दिया है ना उनको. अभी क्या मिलेगा ये सब के बारे में सोचकर? मिल तो बहुत कुछ जाएगा. कितनी अमीर लग रही है ये. As my kids grow, so will their bodies. Puberty is hard enough to deal with. और उस पे जेंडर टैबूज लगा दो तो बस.
कपकेक खराब हो जाएगा ना यार। मम्मा कपकेक फॉर यू। शायद मेरे पेरेंट्स के लिए आसान था। मेरा भाई शॉर्ट्स पहनता था और मैं स्कर्ट्स। इट वॉज अ डिफरेंट टाइम। पर आज मैं अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहती। आई वॉन्ट देम टू नो कि उन्हें किसी भी बॉक्स को टिक करने की जरूरत नहीं है। नो फुटबॉल, नो फुटबॉल। एज दे ग्रो दे कैन टिक देयर ओन बॉक्स। वो अपनी आइडेंटिटी खुद ढूंढ सकते हैं। वो अपने जेंडर को खुद नाम दे सकते हैं। एंड यू नो वॉट, वो स्टैचू है ना, अ चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर। अगर उसकी जगह ये लिखा होता कि अ चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर एंड अ फादर, तो ये जेंडर डिबेट कब की खत्म हो चुकी होती। Thank you.